हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा जो करेंगे, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस के साथ साथ बुक्स का कलेक्शन हम लोग कहाँ से करें। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर, हमने लुसेंट पढ़ा, क्राउन पढ़ा, दृष्टि पब्लिकेशन का बुक पढ़ा, वाणी पब्लिकेशन का पढ़ा, यूथ कॉम्पिटिशन का पढ़ा, बहुत सारे पब्लिकेशन का हम लोग जो बुक्स जो पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे अच्छी बुक्स का क्वालिटी और क्वेश्चन का देखा जाए पैटर्न किस हिसाब से अगर आता है, उसके अनुसार हम लोग कहाँ कहाँ से कलेक्ट करें। ठीक है, तो आज मैं उस पर ब्रीफली जो है आप लोग को बात करूंगा और बहुत ही अच्छी और अच्छी तरीका से उसको कैसे क्वेश्चन को कलेक्शन करना है, ये सब सारे सारे क्वेश्चन को आपको बताएंगे। ठीक है, बशर्ते कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट्स कर रहे हैं कि सर बहुत दिनों के बाद दिखे हैं। हाँ, सही बात है कि थोड़ा सा अभी हम लोग बिजी हैं और जिसके चलते जो है कि रेगुलर रूटीन हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आप लोग को बहुत ही अच्छा आप लोग को कलेक्शन करना होगा। जैसे जैसे हम लोग का कलेक्शन आप लोग देखे होंगे, जैसे ईडू गुरुकुल का ऑनलाइन जो टेस्ट है उसमें आप लोग कलेक्शन आप लोग देखे होंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर काबिले ये तारीफ है। सही बात है, अभी तक से हमारे द्वारा जो टेस्ट जो हुआ है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक बार में सब टेस्ट दे दीजिए, लेकिन मेरे द्वारा भी टेस्ट जो है 26 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, और ये जो है वीकली टेस्ट होता है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। पहला पॉइंट, इसमें क्वेश्चन जो आप लोगों को जो मिलता है, बहुत सारे बच्चे खोजते रहते हैं कि सर इसमें ना लुसेंट से बुक मिलता है, ना आपको यूथ से मिलता है, ना वाणी से मिलता है, ना दृष्टि से मिलता है, आपका कलेक्शन कहां से आते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो भी आपके चैप्टर जो आप पढ़ते हैं, जो भी आप चैप्टर को फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ साइंस के टीचर है। ठीक है, तो साइंस के टीचर में आपको दो टीचर है, एक गोपाल सर है, गोपाल सर आपको हो गए, और उसके बाद जो है आपका रवि सर है। ठीक है, तो ये जो रवि सर जो है आपका फुली जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और गोपाल सर जो है बायोलॉजी। तो ये जो कलेक्शन जो करते हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन जो करते हैं, ये बिल्कुल जो है टेस्ट बुक से कलेक्शन करते हैं। टेस्ट बुक में आपको कौन कौन सी आ जाएगी, और टेस्ट बुक में आप ध्यान रखिएगा कि टेस्ट बुक में आप सबसे पहले तो आप यूनिक पब्लिकेशन का हो, है ना, यूनिक पब्लिकेशन का आपको बुक आती है। तो यूनिक पब्लिकेशन में आपको दो बुक आती है, एक इलाहाबाद की पब्लिकेशन की बुक आती है और एक जो आपको दिल्ली पब्लिकेशन की बुक आती है। ध्यान रखिएगा हम जो बोल रहे हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारगर्भित है। तो इसमें क्या है कि आप चैप्टर उठाइए और चैप्टर में भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए रवि सर है फिजिक्स में, क्वेश्चन है फिजिक्स में, आपको जो है कम से कम 16 वो लेसन कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बायो में चले जाइएगा तो लगभग जो है कि लगभग जो है 20 आपको लेसन के लगभग मिलेंगे, लेकिन उस 20 लेसन में से 5 से 6 ही लेसन है जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आपको मान लीजिएगा कि फिजिक्स में अगर चले जाइएगा तो फिजिक्स में वही 6 से 7 जो है आपको चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको केमिस्ट्री का कलेक्शन और केमिस्ट्री हम कभी भी बच्चों को पढ़ने का सलाह नहीं देते हैं, इतना तो आपको स्पष्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको नाम मात्र बनाते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, आपको केमिस्ट्री हो गया, ये सब आप नहीं पढ़िएगा फिर भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें कि अभी से ही आप क्वेश्चन का लेवल बनाइए। अभी मार्केट में बहुत सारे बुक्स जो है आपको टेस्ट बुक टाइप के आ गए हैं। बहुत सारे देखिए एनसीईआरटी की जो बुक जो है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर की एनसीईआरटी। ठीक है, तो बता देते हैं कि एनसीईआरटी बुक तो आपको है ही, लेकिन इससे कलेक्शन निकाल निकाल करके मार्केट में बहुत सारे बुक्स आपके आ गए हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो ये भी जो है बुक आप ले सकते हैं, इससे भी आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको क्वेश्चन अगर कैपेसिटी अगर बनाने का और कलेक्ट करने की कैपेसिटी आप में है तो आप बिल्कुल इसको लेकर क्या बनाइए। ठीक है, और अभी से ही बुक्स तो आप पढ़िए ही, जो आपके वीक पॉइंट है, जो चैप्टर जो पिछला बार जो बहुत सारे बच्चे जो है उनके माइंड में था कि सर छूट गया था, 2 नंबर से छूट गया था, 3 नंबर से छूट गया था। ठीक है, तो ऐसे अगर मान लीजिए कि जो भी आपके चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, उसको सबसे पहले लेकर के आप बनाइए। आप मैथ से आपको छुटकारा मिलेगा, रीजनिंग से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आपके 100 जो क्वेश्चन है उस 100 क्वेश्चन में फुली आपका कहिए तो 90 आपके जीएस है और 10 ही आपको जो है मैथ्स, और कह सकते हैं कि रीजनिंग है ना, ये मात्र 10 आते हैं, तो 90 पर ही। दूसरा बात, इस बार आप लोग देखे होंगे
कि लग रहा है कि दरोगा का जो नोटिफिकेशन जो आपको आएगा उसमें बहुत कम पोस्ट इस बार आ रहा है, 1288 पोस्ट आ रहा है, ठीक है, 1288 पोस्ट आ रहा है। इस पर भी आपको बिल्कुल भी हम चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आज हमारा मेन जो टॉपिक है आपका सिलेबस है, और नए जो स्टूडेंट हैं और पुराने जो स्टूडेंट हैं उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक्स की रह गई बात, आप बुक्स ले सकते हैं, यूनिक पब्लिकेशन की बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है, उसको आप ले करके कलेक्शन कीजिए, कलेक्ट कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था यूथ कंपटीशन का भी बुक ले सकते हैं, वाणी पब्लिकेशन कर सकते हैं, बौद्धिक प्रकाशन की बुक आती है, ठीक है, उसको भी आप लेकर के क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसमें आपको जो भी आपको क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो सारे के सारे एग्जाम बेस्ड होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम आपको एग्जाम बेस्ड है। उसमें भी आपको कलेक्ट करनी होगी कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग नए स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा कि नए स्टूडेंट तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि पहले जो है जितने भी आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, जो प्रीवियस जो क्वेश्चन आपके मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक्स जो आ चुकी है प्रीवियस का, तो उसको लेकर के सबसे पहले आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि अगर 17-17 की बहाली हुई, एकदम करंट की मैं बात कर रहा हूँ, 24-46 की अगर बहाली हुई, 22-13 की अगर बहाली हुई, तो उसमें क्वेश्चन कहाँ से और किस लेवल से आपके आए हैं, और उसमें जीएस में मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री की क्या भूमिका है, पॉलिटी की आपकी क्या भूमिका है, हिस्ट्री में भी आपका 3 सेक्शन है, मान लीजिए एंशिएंट है, मेडाइवल है और मॉडर्न है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस लेवल से आते हैं, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो है कि कितने आते हैं, है ना, और उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, करेंट अफेयर जिसको बोलते हैं सीए, करेंट अफेयर्स अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं, करेंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आते हैं, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि मिसलिनियस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि मिसलिनियस ले सवाल जो है विविध से, पिछला बार भी देखिएगा विविध से क्वेश्चन आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आए हैं, मैक्सिमम, जैसे आपके जितने भी खेल हैं, बुक्स हैं, है ना, उसमें भी खेल में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के खेल हैं, क्रिकेट भी है, आपके हॉकी भी है, विम्बलडन भी, बहुत सारे विम्बलडन भी, मैंने कहने का मतलब है कि अनेकों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो विविध पर आपको जो है सबसे ज्यादा फोकस आपको डालना होगा, खास करके बिहार दरोगा के लिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का आप जो है एक हैबिट बनाइए, एक प्रैक्टिस बनाइए, डेली में प्रैक्टिस बनाइए, और तब जाकर के आपको जो है कि बहुत फायदे होंगे। दूसरी बात, ये जो आप जो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर आपके द्वारा जो टेस्ट जो लिए जाते हैं, ठीक है, टेस्ट जो लिए जाते हैं, क्या उसमें टेस्ट की क्या खासियत रहती है, वो भी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप लगता है कि नहीं आपको ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करनी है, किसी का भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ही आप ऑनलाइन टेस्ट जो है ज्वाइन कीजिए, थोड़ा सा अभी जो हम लोग का व्यस्तता है, और ऑनलाइन टेस्ट में आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन टेस्ट तो आप में टोटल जो है आपको 60 जो है सेट्स आपको मिलेगा, ठीक है, वो भी आपको बिल्कुल जो है सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, और बिल्कुल जो दिया हुआ है। और मैं बार बार कहता हूं बच्चों को कि किसी का भी, और मान लीजिए कि आप बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि सर एक बार में हमको 60 सेट्स चाहिए, जी नहीं, ये नॉट पॉसिबल, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि करेंट भी आपको जो है कि नए नए करेंट आपको मिलते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इस लेवल से आपको क्वेश्चन जो है आपको हमेशा जो उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो अभी तक से मेरे द्वारा जो टेस्ट जो हुए हैं आपको जनवरी ध्यान रखिएगा, जनवरी 2023 में स्टार्ट किए हैं, और आप बड़ा आश्चर्य होगा, आप लोगों को सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि कितने टेस्ट हुए हैं, तो अभी तक माने आज तक जो है टोटल अभी सेट जो हुए हैं मात्र 26 हुए हैं। तो लड़कों लोगों को लगता है कि इतना दिन में केवल 26 सेट क्यों होंगे, कारण क्या है कि वीकली टेस्ट होती है हमारे यहाँ, सप्ताह में आपको 2 टेस्ट मिलेगा, और उस टेस्ट पर आपको भरपूर जो है आपको मेहनत किया जाता है, और यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है केवल क्वेश्चन और आपको जो है ऑप्शनल डाल दिया जाए, जी नहीं, विद सॉल्यूशन के साथ, है ना, सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, पीडीएफ भी फॉर्म में मिलेंगे, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, 100% किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट इसमें नहीं होगा, और डाउनलोड कीजिए, और हर ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ मेरे द्वारा किया जाता है, सॉल्यूशन उसके दिए जाते हैं, क्वेश्चन आपको एक है उसके आंसर आपको एक मिलेंगे, और 3 जो आपके ऑप्शन जो बचे हुए हैं उसका सॉल्यूशन भी मेरे द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको
एक बुक्स भी आपको सारा सेक्शन के बता दिए कि कौन कौन सा बुक्स पढ़नी है। साइंस में आप टीएमएच भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका और भी आया हुआ है बुक, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी युक्ति पब्लिकेशन का भी बड़ा अच्छा बुक आया है, परीक्षा मंथन का भी जो है बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में बुक्स आपके आ गए हैं। तो आप किसी एक बुक को अपना हथियार बनाइए, जरूरी नहीं है कि 10 किताब लेकर के उसको पढ़े, एक बुक को आप बढ़िया से पढ़िएगा। हम आपको लुसेंट की बात कर रहे हैं, लुसेंट में विविध का क्वेश्चन आप पूरा चाट जाइए, पूरा उसको बनाइए और उसमें और भी सर्च कीजिए। अगर विच्छेदी पाल जो अगर मान लीजिए कि पता की है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ठीक है महिला के रूप में आपको बता रहे हैं, लेकिन कब पता की है ये भी ध्यान रखना होगा। हमारा कहने का मतलब यही है, अगर मान लीजिए संतोष जाधव का नाम सुने होंगे, माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार महिला जो है वो जाकर के चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला है, तो 2 बार वो कब फतह की थी ये भी आपको याद रखना होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी भी सेक्शन से अगर क्वेश्चन आपको पूछे तो उसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। पिछली बार ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो है हमारे जो है बच्चे जो है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट जो है कि प्री भी पास किए, मेंस भी पास किए, अच्छी क्वालिटी आप बोलेंगे तो, हालांकि बोलना क्या है, मेरा एक स्टूडियो जो है बहुत अच्छी मात्रा में बन रहा है, बहुत अच्छी लेवल से बन रहा है और मैं उन सभी से रूबरू आपको कराऊंगा। और पिछला बार भी जो मैक्सिमम बच्चे जो 84, 86 यहाँ तक कि 91 तक के स्टूडेंट जो है मेरे लाए हुए, लेकिन उनका फिजिकल जो है कि स्ट्रांग नहीं था। तो मैं फिजिकल की दृष्टिकोण से भी आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ की फिजिकल सुविधा भी है, ठीक है ना। फिजिकल सुविधा हुए, ट्रेनर आपके अलग हैं, वो ट्रेनिंग आपको देते हैं और फील्ड में ट्रेनिंग उनका देने का काम है। तो जिनको भी अभी से अगर लगता है कि नहीं हम जो है कि प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, फिजिकल मेरी नहीं हो पाएगी, तो निश्चित तौर पर जो है आप फिजिकल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन, और मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी आपको अगर मुझमें कुछ कमियां दिखती हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स करके आप बताइए, कमेंट्स करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है कि उसमें हमको क्या गया कि पावर मिलता है, हम देखते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग देखते नहीं, टीम भी देखती है, हम लोग भी देखते हैं, किसी को जवाब भी दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर उसमें आप कमेंट्स करिएगा कि सर आपको क्या जरूरत है, उस जरूरत को आपको हर संभव आपको जो है हर परेशानी को आपको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछला बार मेरा जो है 22, 13 और 24, 46 में बच्चे कुछ कम जानते थे, लेकिन 22, 13 में लोग ऐसे मैंने घर घर के बच्चे जो है राकेश लाल को जानने लगे, कारण कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आपको दिए, क्वेश्चन का लेवल तक दिए, क्वेश्चन भी दिए और कटअप वगैरह जो आपको दिए वो तो काबिले तारीफ है। ऐसा नहीं है हर सेक्शन की, मैं बीपीएससी की बात करता हूँ, आपको रह गया कि बिहार एसएससी कटअप की बात कर रहे हैं बच्चे, मैं बिल्कुल जो है बड़ा मुझे थोड़ा सा खिन्न महसूस हुआ था और मैं यही सोचा था कि नहीं अब जो है कटअप का भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। खैर घबराने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा तो सब कुछ आपका होगा, लेकिन आप जो है कि बिहार दरोगा आप बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ध्यान रखिए। और अगला जो मेरा जो है बहुत सारे बच्चे जो कमेंट्स कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर आपका जो इस बार जो बिहार दरोगा 1288 जो पोस्ट आपको आ रहे हैं तो क्या डायल 112 है या बिहार एसआई है, क्या हम लोग डायरेक्ट जो है जाके थाना में थानेदार बनेंगे या डायल 112 में थानेदार बनेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में कंट्राडिक्शन है और भरपूर जो है उसके बारे में आपको डिटेल्स में मैं बताऊंगा और उस वीडियो का आप लोग अवश्य देखिएगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि स्ट्रगल थोड़ा सा आप लोग बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन 61.3 प्री नहीं होगा, 61.3 जो हमने बताए थे और रिजल्ट 61.5 पर हुआ था, तो इस बार 61.5 पर रिजल्ट प्री का होने वाला नहीं है। कारण क्या है कि आपके जो है मेरिट बढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, मार्केट में बुक ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो कंपटीशन बढ़ा रहा है, आपको भी उस लेवल से लग रहा होगा। अगर टेस्ट में अगर मेरे टेस्ट में अगर मैं बताता हूँ कि मेरे टेस्ट में अगर आपको लगता है कि आपको 70 या 60 अगर प्लस ला रहे हैं तो आप समझिए कि बहुत आपकी मार्क्स अच्छी मार्क्स आ रहे हैं। ये टेस्ट जो है आपको बिल्कुल जो है मार्केट से बिल्कुल अलग मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। अगर आप तक मेरी आवाज गई है, आपके कान तक मेरी आवाज गई है, आपके पड़ोस में अगर आवाज गई है, ठीक है, आपके मोहल्ले में आवाज गई है, आपके शहर में आवाज गई है, आपकी अगर कोचिंग में आवाज गई है, आपके ग्रुप में अगर आवाज गई है, तो सिर्फ और जो कंटेंट के बदौलत गई है, ठीक है। तो कंटेंट ही मेरी पहचान है। और बच्चे लोग, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 100% किसी भी टीचर का, ठीक है ना, मेरा ही नहीं, कि स्टूडेंट समझते हैं कि 100% क्वेश्चन लड़ जाए, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। आप स्ट्रगलर हैं, आप स्ट्रगल किए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं,
ये मत कभी सोचिएगा कि 100% क्वेश्चन आपको आएगा, 70 से 80% क्वेश्चन आपके आ गए तो समझिए कि आपका बहुत क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं लड़कों का, मैं बता देता हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो लड़के लोग नहीं जानते हैं। अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट रूप से 5-10 क्वेश्चन भी आपके माइंड में अगर जहन में उतर गया तो उसके चलते भी रिजल्ट होता है। तो आपको 70% और 80% से भारी पड़ता है आपको, ठीक है। इसलिए आप लोग कंटेंट कलेक्ट कीजिए, और कंटेंट अगर किसी को देखना हो तो निश्चित तौर पर जो मैं बता देता हूँ कि निश्चित तौर पर क्या करिए कि आपको लगता है कि नहीं मुझे कंटेंट चाहिए और मैं सेट को देखना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 7541834303। ये एक नंबर है, हम लोग का हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी स्टूडेंट को इस पर क्लिक किया जाता है, और 9931843263 ये दो नंबर है। आप इस नंबर पर कभी भी व्हाट्सएप और कॉल, और मेरे सारे बुक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करेंट हो, मिसलेनियस हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, तो कुछ बच्चे मेरे बुक्स जो देखे उनको अगर देखना है तो बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको बिल्कुल 100% आपके व्हाट्सएप पर चला जाए, ये मेरा मानना है। आपको भले ही देर लगे, क्योंकि मैसेज तो बहुत आते हैं, हजारों मैसेज रोज आते हैं, तो बिल्कुल आपको चले जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा टेलीग्राम जो चैनल जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नया एक टेलीग्राम चैनल बना है, आप उस टेलीग्राम के जरिए जो है आप उस टेलीग्राम पर के माध्यम से आप उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।